गोल्ड मेडल, आप सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में जी, किस तरीके से आप इसको जी? बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि कॉमनवेल्थ में भी और एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीता अपने देश के लिए, और इंजॉय तो क्या, बस 3-4 दिन बाद फिर एक कॉम्पिटिशन है, उसके लिए तैयारी करेंगे। कितना आप सेटिस्फाइड, कितना आप मतलब अगर हम बोले तो कॉन्फिडेंट थे इस मैच जी के लिए कि मैं आऊँगा और गोल्ड मेडल की टारगेट? जी देखो, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग कर रखी थी और काफ़ी कॉन्फिडेंस था, क्योंकि ट्रेनिंग में भी काफ़ी अच्छी थ्रो जा रही थी और यहाँ पे भी 2-3 सेशन लगाए, उसमें भी अच्छी थ्रो थी, और यही कोशिश थी देश के लिए गोल्ड जीतूँ, और अगर आज एक टेक्निकल और सही एक लाइन में थ्रो लग जाती है शायद 90 मीटर भी क्रॉस हो सकता था, पर ठीक है, अगले नेक्स्ट टाइम करेंगे कोशिश और बढ़िया करने की। शुरुआती दौर से ही जो आपके क्रॉस थे वो काफ़ी हाई थे जी, एक तरीके से हम कहें तो आप फुली मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आए थे इस टूर्नामेंट के लिए कि मुझे गोल्ड से नीचे कुछ नहीं चाहिए? जी देखो, काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिशन है एशियन गेम्स और कॉम्पिटिशन भी काफ़ी अच्छा था, वो ये है कि दिन के हिसाब पे होता है कि कौन कैसा चलता है, तो आज अपना दिन था और भगवान की दया से सभी इंडियन आए थे, काफ़ी पीछे हौसला मिल रहा था, तो कॉम्पिटिशन अच्छा था, लेकिन मैं कोशिश यही करके आया था कि गोल्ड लेके जाऊँ अपने देश के लिए और नेशनल रिकॉर्ड के साथ। प्रेशर भी था? नहीं, प्रेशर तो क्या सर, ट्रेनिंग अच्छी हो रखी थी, सब बढ़िया था, प्रेशर तो इतना नहीं ले। और बात अगर हम चैलेंजेस से करें, आपके साथ जो बाकी एथलीट जी, क्या उस वक्त कुछ ऐसा लग रहा था कि अगर थ्रो हमारा प्रॉपर नहीं आया तो क्या कुछ था? जी देखो, जब तक हम कॉम्पिटिशन में होते हैं तो हमको सीरियस रहना ही पड़ता है कि कुछ पता नहीं होता है किस टाइम किसका थ्रो अच्छा निकल जाए, तो जब तक छठा थ्रो नहीं होता है तो हम अपने माइंड को सेट रखते हैं। अगर हम स्किल वाइज बात करें, आपके पास बहुत सारे टाइटल्स हैं, टाइटल है कॉमनवेल्थ में, गोल्ड मेडल्स है, बहुत सारे टाइटल्स हैं, इस मेडल को आप कहाँ पे रखते हैं, किस तरफ से आप किस तरीके से रेट करते हैं इस मेडल को? जी देखो, जूनियर वर्ल्ड में एक जूनियर का मेडल था और एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड है, कॉमनवेल्थ में गोल्ड है, और लेकिन सबसे बड़ा जो मेडल है अपने इंडिया में जो मानते हैं तो एशियन गेम्स को माना जाता है, तो यही मेरा मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा मेडल है। किसको आप डेडिकेट करेंगे? जी देखो, सभी एथलीट्स अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना मेडल डेडिकेट कर रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं को, महान इंसान थे वो, उन्हीं को डेडिकेट करना चाहूँगा।